हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव पांडे। ऐसे पेरेंट्स जिनका ड्रीम होता है अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कैसे करा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। NEP 2020 के बाद बाल वाटिका का प्रावधान आया है, जहाँ पर कुछ सेलेक्टेड केवीज में बाल वाटिका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की क्लासेस भी चलती हैं। तो बाल वाटिका फर्स्ट में एडमिशन के लिए 50 KV को चुना गया है और बाल वाटिका थर्ड में 445 KV को चुना गया है, और इसमें एडमिशन जो हो रहा है इस बार वो ऑफलाइन मोड में होगा। 1 अप्रैल 2024 सुबह 10 बजे से लेकर 15 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। आप इसके बीच में एडमिशन के लिए, बाल वाटिका में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश एडमिशन इन बाल वाटिका 2 एंड 3 इन सेलेक्टेड 50 KVs विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ वैकेंसी एग्जिस्ट इन द कंसर्न KVS। अगर ऐसे KVS जहाँ पर बाल वाटिका की क्लासेस चलती हैं, अगर वहाँ पर बाल वाटिका 2 और 3 के लिए कोई वैकेंसी है, तभी आप वहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में दिया है मिनिमम एज। तो एज क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन बाल वाटिका फर्स्ट विल बी 3 ईयर्स। रिक्लोनिंग ऑफ एज फॉर बाल वाटिका क्लासेस शैल बी एज ऑन 31/3/2024। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो जो बाल वाटिका फर्स्ट में एडमिशन कराने की मिनिमम एज है वो 3 ईयर रखी गई है। अगर आपका बच्चा 3 साल का है, 31 मार्च 2024 तक, या ऐसा बच्चा जो 1 अप्रैल को जिसका जन्म हुआ है, 1 अप्रैल तक उसकी एज अगर 3 साल पूरी हो गई है, तो वो आप उसका एडमिशन बाल वाटिका में करा सकते हैं। बाल वाटिका फर्स्ट के लिए 3 ईयर बट लेस देन 4 ईयर ऑफ एज, मतलब बच्चे की एज जो वो 3 ईयर से 3 ईयर पूरी हो और 4 ईयर से कम हो। बाल वाटिका सेकेंड के लिए 4 ईयर बट लेस देन 5 ईयर ऑफ एज, मतलब जो बच्चे की एज है वो 4 और 5 साल के बीच में होनी चाहिए। और बाल वाटिका थर्ड के लिए बच्चे की एज 5 साल से 6 साल के बीच में होनी चाहिए, 5 ईयर्स बट लेस देन 6 ईयर ऑफ एज। तो बच्चे का, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका फर्स्ट में करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एज 3 ईयर्स रखी गई है, और अगर आप सेकंड में कराना चाहते हैं तो बच्चे की एज 4 साल से 5 साल के बीच होनी चाहिए, और थर्ड में कराने के लिए 5 साल से 6 साल के बीच में होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है बच्चों के एज को लेकर। द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाई 2 ईयर्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बाई द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल एग्री है तो ऐसे बच्चे जो CWSN के बीच में आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में आते हैं, उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एडमिशन विल बी गिवन एज पर प्रायोरिटी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन नॉर्म्स एज मेंशन इन एडमिशन गाइडलाइन 2024 एंड 2025। एडमिशन में जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो कैटेगरी वाइज होगी। यहाँ पर एडमिशन में 5 कैटेगरी होती है, कैटेगरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और कुछ कोटा मिला, कुछ रिजर्वेशन मिलता है अलग अलग कैटेगरी को लेकर। तो उसको ध्यान में रखते हुए एडमिशन किया जाएगा, और ये जो नोटिफिकेशन है एडमिशन, इसकी गाइडलाइन में दिया गया है। आगे वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे उसके बारे में। एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इफ रॉन्ग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी बाय द KV। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बच्चे का जो भी डाटा फिल करें उसको बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट फिल करिएगा, क्योंकि अगर स्क्रूटनी के टाइम में थोड़ी भी उसमें कमियां आती हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते, आपके हाथ से ये मौका छूट जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल एंड एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। जैसे बच्चा आपका सेलेक्ट होता है एडमिशन के लिए, आपके पास एक कॉल आएगा या आपके पास मैसेज आएगा, तो आप एडमिशन इंचार्ज या प्रिंसिपल से आप कॉल कर सकते हैं गिवन टाइम स्लॉट में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाल वाटिका में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है। 2024-25 के सेशन में आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में कैसे करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में हम आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए और आगे क्या क्या प्रोसेस है उसको बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।